अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व हजरात, आर के न्यूज एंड टीवी चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज बतारीख 28 दिसंबर 2023 गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना कांग्रेस की प्रजा पालना स्कीम का काम हल्का असेंबली याखुदपुरा नशीमन नगर ओएसी स्कूल के पास अमल में लाया गया, जिसमें बखूबी बहुत सारी आवाम ने प्रजा पालना स्कीम का फायदा उठाया। आइए सुनते हैं नशीमन नगर एरिया प्रेसिडेंट सैयद समीर और ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल रहीम की जुबानी। ऐसी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपके पास वही राशन कार्ड नहीं है तो मत ठहरिए भैया। अस्सलाम वालेकुम, मैं नशीमन नगर AIMIM एरिया प्रेसिडेंट और JHMC वार्ड मेंबर सैयद महमूद अली आपसे मुखातिब करता हूं। आपसे मुखातिब करने का मतलब यह है कि आज हमारे नशीमन नगर कॉलोनी में अवेसी स्कूल के करीब तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से, तेलंगाना कांग्रेस गवर्नमेंट की जानिब से एक स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें MIM के सदर और मोतमदीन और एक्टिव वर्कर सब मिल के ये स्कीम को अंजाम दे रहे हैं, यानी पब्लिक तक पहुँचा रहे हैं। तो आज ये स्कीम का मकसद ये है कि गरीब आवाम तक, मुस्तहिक आवाम तक ये स्कीम पहुंचना। ये स्कीम में जो है आपको महालक्ष्मी स्कीम, इंद्रम्मा स्कीम और फार्मर इंश्योरेंस स्कीम, पेंशन स्कीम और गृह ज्योति स्कीम के तहत ये चीज़ आपको लॉन्च की गई। 28 तारीख से लेके 6 तारीख तक ये काउंटर रखा गया नशीमन नगर अवेसी स्कूल। जो भी हजरात ख्वाहिशमंद हजरात, जो मुस्तहिक हजरात है, वो अपने अपने आईडी प्रूफ के साथ, जैसा कि आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, जिसके नाम पे राशन कार्ड है, आधार कार्ड, उनका हस्बैंड का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, लाइट का बिल और वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये चीज़ ले लेके आप यहाँ यहाँ पर काउंटर पे आइए और यहाँ पर काम को अंजाम देने के लिए MIM के सदर और मोतमदीन बैठे हुए हैं। हो सकता है राशन कार्ड का अप्लीकेशन फॉर्म भी कल से आएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे क्लिप्स आ रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से, इंशाल्लाह कल से वो भी काम अंजाम पाएगा। जज़ाकअल्लाह। कल का जो टाइम रहेगा आपको 9 बजे से लेके 5 बजे तक, 6 तारीख तक एक काउंटर डाला जाएगा। ये चीज़ के साथ आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं।